देखिए, हमारे पास तो केंद्र स्तर से लेकर बूथ स्तर तक नेटवर्क है और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत किया है, पर किस कारण से हम पीछे रह गए हैं इसकी जानकारी करके इसका निदान कर लिया जाएगा। हमारे लिए ये बहुत ही सामान्य और सरल विषय है कि हम अपनी कमियों को चाट लेंगे और उसका समाधान कर लेंगे। काफ़ी समय से ये डिबेट चल रही थी कि इन स्टेट्स का जो इलेक्शन रिजल्ट आएगा 2019 के चुनाव पे काफ़ी असर पड़ेगा, उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, स्टेट के चुनाव स्टेट के होते हैं, उसका केंद्र के चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। पहली बात, अभी ये जो पाँचों स्टेट के चुनाव हुए, पाँचों स्टेट में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ अपनी लोकल समस्याओं को लेकर के ये चुनाव हुए हैं, लोकल मुद्दे उनके थे यानी स्टेट के मुद्दे थे। तो इसको अगर ये कहना कि ये इसका केंद्र के साथ उस पर असर पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी असर हो। केंद्र का अलग मुद्दा होता है, देश को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रायोजित करें, कैसे विकास की धारा में देश को शामिल करें, ये सब विषय होते हैं। इस पर हम लोगों ने कंप्लीट काम किया है, सेटिस्फैक्ट्री काम किया है। आज देश चौथे पांचवें नंबर पर इकोनॉमिक ग्रोथ में पहुंच चुका है। नेशनल और सिक्योरिटी के संदर्भ में हमारा देश एटॉमिक मैराइन बना करके हमने अपने देश को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया है। आज भारत की स्थिति उन चार पांच देशों में है जिनके पास एटॉमिक मैराइन भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे थे उस पर हम लोग पर्याप्त काम किए हैं और उसका छवि जनता के बीच में बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।